हाय गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो गाइस, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा व्हाट्सएप की एक ऐसी खतरनाक ट्रिक के बारे में, जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि भाई काश ये ट्रिक मुझे पहले पता होती। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए लॉक का यूज करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे उस डाटा को ना देख पाए। एंड गाइज, हम यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए ऐप लॉक का यूज करते हैं, ताकि कोई भी उस ऐप को ओपन ना करे एंड उस ऐप पे ना जाए। ऐसे ही हम व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पेटीएम पे, जिस भी ऐप पे को हम सिक्योर करना चाहते हैं, उस ऐप पर हम ऐप लॉक लगा देते हैं। एंड ठीक उसी तरह हम व्हाट्सएप पे भी यही यूज करते हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे ऐप लॉक लगा देते हैं, ताकि हमारे व्हाट्सएप की चैट कोई भी रीड ना कर सके। बट गाइज, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊँगा, जहाँ पर आप लोगों को कोई भी व्हाट्सएप लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड कोई भी बंदा आपकी उस चैट को वहाँ पे रीड करना चाहेगा तो रीड नहीं कर पाएगा। वहाँ पे आप लोगों को 4 अंक का जो आप लोगों ने वहाँ पे कोड डाला है, उसे डालेंगे तभी जाके आप लोग उस चैट को यहाँ पे रीड कर पाएंगे। तो गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। कोई भी चैट को आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ईजिली यहाँ पर क्लिक हो जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चैट हमारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। बट मैं जैसे इस चैट पर ओपन एक क्लिक करूंगा, यहाँ पे कोड यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना कोड डालेंगे, ये हमारी चैट ओपन हो जाएगी। तो गाइज, ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप लोग भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना है क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोगों को जाना है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 4 अंक का डिजिटल कोड डालना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे 4 अंक का डिजिटल कोड डाल दीजिए। एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर से कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो फिर से आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। एंड यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ईमेल डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से स्किप कर दीजिए। अगर यदि आप डालना चाहते तो यहाँ पर डाल भी सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर कुछ परमिशन मांग रहा है, तो हमें यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पर रिडायरेक्ट आप लोगों को सेटिंग पर ले जाएगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। सेटिंग को इनेबल करने के बाद आप लोगों को फिर से एप्लीकेशन पे वापस आ जाना है। एंड यहाँ पे आप लोग यदि फिंगरप्रिंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फिंगरप्रिंट्स ऐड हो चुका है। एंड यहाँ से आप लोगों को फिर से इनेबल कर देना है। एंड गाइज, आप लोगों को यहाँ पे मोस्ट बात याद रखनी है कि आप लोगों को इस सेटिंग को गलती से भी ऑन नहीं करना है। यदि आप लोगों ने इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर दिया, तो जो भी पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर ऐड किए हैं, यही पासवर्ड आपके ऐप पे भी ऐड हो जाएगा। तो आप लोग गलती से भी सेटिंग को यहाँ से इनेबल मत कीजिएगा। एंड आप लोग यदि अपनी चैट को लॉक करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेना है। एंड जिस भी किसी का आप लोगों को चैट लॉक करना है, उसे यहाँ पर बस क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप लोग उसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। यदि और भी लॉक करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप सेलेक्ट कीजिए। एंड जिसको भी यहाँ से आप लोग लॉक करना चाहते हैं, उसे यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। एंड गाइज, मैं आप लोग को व्हाट्सएप पर ले जाके दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जिस भी चैट को मैंने यहाँ पे लॉक किया है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है। एंड जिस चैट पे मैंने लॉक नहीं लगाया है, उस चैट पे यदि मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक सारी चैट यहाँ पे ओपन होती जा रही हैं। बट मैं जिस चैट पे यहाँ पे लॉक लगाया है, वो चैट यहाँ पे ओपन होते यहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा है। तो आप लोग इस तरह से ईजीली अपनी चैट को यहाँ पे अपनी चैट पर लॉक लगा सकते हैं एंड अपनी चैट को यहां से सिक्योर कर सकते हैं। और इस तरह करने से आपकी चैट को कोई रीड भी नहीं कर पाए। एंड गाइज, यदि आप लोग उस सेटिंग को यहां से इनेबल भी कर देते हैं, तो अब मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं उस सेटिंग को इनेबल करके, कि उस सेटिंग को यदि आप इनेबल करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या फ़ायदे नहीं होने वाले हैं। तो आप जैसे ही इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल करेंगे, एंड इनेबल करने के बाद आपको आना है व्हाट्सएप पे। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे वही पासवर्ड शो हो रहा है एंड यही पासवर्ड यहाँ पे भी शो हो। तो गाइस, इस तरह से आप लोग अपनी चैट को लॉक भी कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपकी चैट को पढ़ भी नहीं पाएगा। जब भी वहाँ पर क्लिक करेगा तो आपकी चैट लॉक पाएगा, तो उसे ओपन भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप
लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस तरह की न्यू न्यू अपडेट की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरी यानी भाई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले आ जाए। एंड गाइस इस एप्लीकेशन के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाइए एंड उस एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।